Hey guys, welcome back to my channel Artin Lifafa and welcome back to another video from service marketing. This is unit 2nd and the first topic from unit 2nd is gap model. So gap model basically hota hai jo services ke beech mein kisi tarah ka gap aa jata hai usko hum bolte hain gap. To inko dealing karne ke liye inko janne ke liye ek model hota hai wo kuch is tarah ka hota hai. तो सबसे पहले इसमें आता है कि जब गैप की हम बात करते हैं तो गैप से हम क्या समझते हैं कि किसी तरह का गैप किसी दो पर्टिकुलर चीज़ के बीच में आ रहा है. मतलब कि एक तरह से हम इसको प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, लेकिन गैप एक तरह की ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में या दो प्रोडक्ट सर्विसेज के बीच में किसी तरह का एक इशू आ जाता है कि हाँ हम एक्सपेक्ट ये करते थे और हमें मिलेगा ये. तो अभी हमारा जो गैप मॉडल है ये हमारा दोनों साइड से है, कस्टमर की तरफ से भी और जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है कंपनी उसकी तरफ से भी. तो सबसे पहले क्या होता है गैप मॉडल के अंदर, जो हमारा गैप वन होता है, हम एक्सपेक्टेड सर्विस देखते हैं कि कस्टमर अपनी जो सर्विसेज होता है वो किस अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करती है, मतलब कि एक्सपेक्टेड सर्विस क्या होती है. देन द सेकेंड इज परसीव्ड सर्विस. परसीव्ड सर्विस मतलब जो कंपनी सर्विस देने वाली है वो सर्विस क्या है. तो इन दोनों के जो बीच का गैप होता है इसको हम बोलते हैं कस्टमर गैप. कस्टमर गैप मतलब कि ये जो गैप होता है वो हमारा कस्टमर गैप इसीलिए कहलाता है क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है कि कस्टमर के हाँ मुझे इस तरह की सर्विस मिलेगी, लेकिन कंपनी जो सर्विस बना रही है वो अपने अकॉर्डिंग बना रही है कि हाँ हमें इस तरह की सर्विस मार्केट में देनी है. तो ये जो गैप बीच में आता है इसको हम बोलते हैं कस्टमर गैप. जो पूरा एक्सपेक्टेड, उसके बाद जब हमारा परसीव्ड सर्विस हो जाती है उसके बाद अब सर्विस डिलीवरी की बात आती है. तो सर्विस डिलीवरी में भी हमारे गैप्स आते हैं क्योंकि सर्विस डिलीवरी, अब किसी कस्टमर को चाहिए कि मेरे पास सर्विस बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाए, किसी को चाहिए कि मेरे को थोड़े टाइम में मिले, किसी को चाहिए मुझे इंस्टेंट सर्विस मिले, और कंपनी क्या सोचती है कि जब तक पूरी सर्विस प्रिपेयर ना हो जाए हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड ना करें. तो ये भी किसी तरह के गैप्स होते हैं जो सर्विस में आते हैं. उसके बाद यही जो सर्विस डिलीवरी होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर, ये एक तरह का हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है कस्टमर्स के साथ. इसमें क्या होता है जो हमारा गैप होता है इसमें हमारा गैप फोर लाई करता है. अब गैप फोर लाई करता है, गैप फोर का मतलब क्या होता है, जब हमारा एक्सटर्नल कस्टमर एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है कि हमें डिलीवरी कब तक मिलेगी और हमें डिलीवरी मिल कब रही है. मतलब कि गैप फोर हमारा होता है बेसिकली नॉट मैचिंग परफॉर्मेंस टू प्रोमिस. हमने प्रोमिस करा कस्टमर को कि तुम्हें सपोज 10 तारीख तक तुम्हारा सर्विस मिल जाएगी और तुम्हें मिल रही है 12 तक. तो ये होता है हमारा जो हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कस्टमर से हमने जो प्रॉमिस किया था कि तुम्हें ये मिलेगी, लेकिन जो हमारी सर्विस डिलीवरी है वो डिले हो गई है. उसके बाद कस्टमर ड्राइवन सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड. अब हमारा जो गैप आता है वो आता है हमारा कस्टमर ड्राइवन सर्विसेज डिज़ाइन स्टैंडर्ड. मतलब कि कस्टमर जब अपनी सर्विस को सोच के चलता है कि मेरे सर्विस का डिज़ाइन और स्टैंडर्ड कुछ इस अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन सर्विस डिलीवरी में वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं गैप थर्ड. गैप थर्ड क्या होता है, नॉट डिलीवरिंग टू सर्विस स्टैंडर्ड. मतलब कि डिलीवरी तो हो रही है लेकिन प्रॉपरली जो उसमें स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उस स्टैंडर्ड के चलते डिलीवरी नहीं हो रही है. कस्टमर स्टैंडर्ड अपने कुछ और फिक्स करके चल रहा है कि हाँ मुझे इस तरह की डिलीवरी चाहिए, इस तरह की पैकिंग चाहिए, लेकिन जो सर्विस डिलीवरी है वो उस अकॉर्डिंग नहीं हो रही है. तो ये भी एक गैप होता है, इसको हम बोलते हैं गैप थर्ड. उसके बाद गैप होता है हमारा कंपनी परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. अब हमारा गैप कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन कब आता है, जब हमारा गैप कस्टमर की जो ड्राइवन स्ट्रैटेजीज होती हैं वो अलग होती हैं लेकिन कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंज्यूमर को लेके वो अलग होती हैं. इसमें हमारा गैप जब आता है जब कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली तरीके से एग्जाम ना करके तब अपने स्टैंडर्ड फिक्स करती है. अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के गैप्स, कंपनी के स्टैंडर्ड्स अलग हो गए और कंज्यूमर के स्टैंडर्ड्स अलग हो गए, तो उन दोनों के बीच आ गए गैप, जिसको हम बोलते हैं गैप सेकेंड. उसके बाद जो हमारा गैप फर्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑल ओवर जो कंपनी परसेप्ट कर रही है, परसेप्शन बना रही है और कंज्यूमर से एक्सपेक्ट कर रही है, उससे लेके जो एक्सपेक्टेड सर्विस कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो पूरा होता है हमारा गैप वन. इसमें हमारा क्या आता है, नॉट नोइंग व्हाट कस्टमर एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. तो ये कुछ तरह के गैप्स थे जो हमारे सर्विसेज में आते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा सर्विकल मॉडल. सर्विकल मॉडल क्या कहता है? इट इज़ मेजर्स हाउ वेल अ सर्विस इज डिलीवर्ड. ये बेसिकली एक तरह का ऐसा मेजर होता है जो ये मेजर करके रखता है कि ये सुनिश्चित करके रखता है कि जो सर्विस डिलीवर हो रही है वो किस तरह से हो रही है और वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही. अब कुछ डायमेंशंस होते हैं जो सर्विकल मॉडल में आते हैं. सबसे पहला होता है हमारा रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या कहता है? इट इज़ अ फर्म एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस सर्विस एक्यूरेटली एंड डिपेंडेबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि जब कंपनी मतलब कि जब जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो एकदम एक्यूरेट सर्विस प्रोवाइड करे, मतलब कि जो वो सर्विस दे रही है वो रियलिटी बेस्ड हो. मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी सर्विस उठा के उनको दे रहे हो और वो एक्चुअली में रिलायबिलिटी ही ना हो उन सर्विसेज की, एबिलिटी ना हो कंपनी की उन सर्विसेज को देना, तो उस सर्विस को देने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये ध्यान में रखना सर्विकल मॉडल का काम होता है. सेकेंड इज टेंजिबल्स. इट रेफर्स टू फिजिकल फैसिलिटीज इक्विपमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ पर्सन. अब सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती है, लेकिन यहाँ पे हम टेंजिबल जो मॉडल होता है वो सर्विकल को देखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जिनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं वो चीज़ें टेंजिबल होती हैं. फिजिकल फैसिलिटीज़ जो उनको मिल रही हैं जिनके थ्रू सर्विस जा रही है वो पर्टिकुलर तरीके से अरेंज हो रही है नहीं हो रही, कस्टमर तक वो प्रॉपरली पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही. उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस. अब रिस्पॉन्सिवनेस से यहाँ क्या मतलब है? इट इज़ द फर्म्स विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर एंड प्रोवाइड प्रमोट सर्विसेज. अब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है ये नहीं होता कि कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड कर दी उसके बाद कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, बल्कि जब एक बार सर्विस कंपनी ने प्रोवाइड कर दी तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर्स की हेल्प करें उस सर्विस को और प्रमोट करने में, ताकि अगर वो अपने कस्टमर्स की हेल्प करेंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर्स क्या करेंगे? उनकी सर्विसेज को और प्रमोट करेंगे, क्योंकि बताएंगे कि हाँ उस जगह की सर्विसेज अच्छी है या फिर उस कंपनी की सर्विस अच्छी है. तो एक रिस्पॉन्सिवनेस का होना ज़रूरी है कंपनी के लिए. उसके बाद अश्योरेंस. अश्योरेंस क्या कहता है? इट इज़ अ नॉलेज एंड कर्टेसी ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर एबिलिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. एश्योरेंस होता है कि एक तरह से हम एम्प्लॉयज़ के बीच में एक ट्रस्ट पैदा करते हैं. उससे क्या होता है कि हाँ अगर हमारी सर्विसेज हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब एश्योरेंस देते हैं वो कि भाई तुम हमारी सर्विस ट्राई करो क्योंकि हमारी सर्विस हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ भी यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हमारी सर्विसेज अच्छी हैं. अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसके खुद के एम्प्लॉयज़ ही यूज़ नहीं कर रहे, उसकी खुद के एम्प्लॉयज़ ही उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो परफेक्ट नहीं है. तो एक तरह से तुम्हें अश्योर होना भी इस चीज़ के लिए ज़रूरी है. उसके बाद एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है? इट इज़ अ केयरिंग एंड इंडिविजुअलाइज अटेंशन पेड टू कस्टमर. एम्पैथी होता है बेसिकली एक तरह का अटेंशन पेड करना कस्टमर्स के लिए कि हाँ भाई हम तुम्हारे बारे में सोच के ही सर्विसेज अपनी बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विसेज. अब कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं सर्विसेज को लेके? इट रेफर्स टू द टोटल परसीव्ड बेनिफिट अ कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कंपनी सर्विस. ये एक तरह का ये होता है कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी की सर्विसेज से. टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? सबसे पहले होती है हमारी एडुकेट सर्विसेज. एडुकेट सर्विस होती है, दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ सर्विस, मतलब कि एक कंपनी इतनी लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, ये होता है हमारा एडुकेट सर्विस. डिजायर सर्विस क्या होती है कि कस्टमर की लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस लेवल की सर्विस वो एक्सपेक्ट करता है हमसे. प्रिडिक्टेड सर्विस क्या होती है? विच वी प्रिडिक्ट, जो हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि हाँ हमें इस तरह की सर्विस चाहिए. जोन ऑफ टॉलरेंस क्या होता है? जोन ऑफ टॉलरेंस में होता है जैसे कि हमारे पास अब ऑप्शन ही नहीं है लेकिन हमें ये सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी. मतलब कि सपोज अगर हम बात करें किसी भी सलून की और हमें अगर कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है और रेडी होना है और हमें कहीं और किसी और का सलून नहीं मिल पा रहा है और हमें एक ऐसा सलून मिल रहा है जहाँ पे हम कभी गए नहीं हैं, हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं है या फिर अगर हमने सुना है तो नेगेटिव चीज़ सुना है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो ये होता है जोन ऑफ टॉलरेंस. मतलब कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें वहाँ की सर्विसेज लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशन. अब कैसे हम अपने कस्टमर की सर्विसेज को एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले मैनेजिंग प्रॉमिस. अगर हम उनके प्रॉमिस को मैनेज कर सकें तो हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हैं. अगर कंपनी रिलायबिलिटी रखे अपनी सर्विसेज में तो मैनेज हो सकता है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखे तो भी हम अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हैं.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विस. अब कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विस क्या कहता है? अ कस्टमर इम्प्रेशन अवेयरनेस एंड कॉन्सिक्यूटनेस अबाउट अ कंपनी और इट्स ऑफरिंग. कस्टमर का क्या परसेप्शन है किसी सर्विसेज को लेके, मतलब कि ऑलरेडी जो सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है उनको लेके उसका क्या परसेप्शन है, किस तरह की इम्प्रेशन है, क्या अवेयरनेस है एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कस्टमर के माइंड में. फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर की परसेप्शन को? सर्विस इनकाउंटर, जो हम आगे पढ़ेंगे, सर्विस एविडेंस, इस तरह की सर्विस हमें प्रोवाइड हो रही है, इमेज क्या है मार्केट में उस पर्टिकुलर सर्विस की, और प्राइस किस अकॉर्डिंग है. तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कस्टमर की परसेप्शन को एक तरह से बिल्ड करके रखते हैं मार्केट के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब अब कंपनी किस तरह से मेजर कर सकती है कि उसके कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे. इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ सर्विस सप्लाइड बाय अ कंपनी मेट कस्टमर एक्सपेक्टेशन. ये बेसिकली होता है कि जब कस्टमर कंपनी अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाता है जिससे वो सेटिस्फाई हो सकते हैं. क्या मैथड है इसका? सबसे पहले होता है हमारा डायरेक्ट मैथड. डायरेक्ट मैथड क्या कहता है? डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, मतलब कि जहाँ पर हम डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं कस्टमर से. और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? जो हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं. तो ये दो तरह के मेथड होते हैं जहाँ से हम अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मेज़र कर सकते हैं. अब कुछ स्टेप्स होते हैं मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोसेस, वो क्या होते हैं? सबसे पहले डिफाइन अ गोल. सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है? एक गोल डिफाइन करना होता है कि हमें क्या मेज़र करना है, किस तरह से अपनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मेज़र करना है. उसके बाद क्रिएट अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे. उसके बाद वो एक सर्वे क्रिएट करते हैं कि हम मार्केट में जाके अपनी सर्विस का सर्वे क्रिएट करेंगे कि हाँ आप लोगों को हमारा सर्विस पसंद है नहीं है, किस तरह से. फिर उनके आंसर कलेक्ट करेंगे. फिर जब हमारे पास आंसर आ जाएंगे उसको हम एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद अपने कंक्लूजन पे आएंगे और उसको चेंज में कन्वर्ट करेंगे. अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगती है कि हाँ हमें इस चीज़ से भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा तो हम दोबारा सर्वे करेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सर्विस इनकाउंटर. सर्विस इनकाउंटर क्या कहता है? सर्विस इनकाउंटर आर ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन इन विच वन पर्सन प्रोवाइड अ सर्विस और गुड्स टू अनदर पर्सन. इन सर्विस इनकाउंटर होता है जब एक सर्विस इनकाउंटर में एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. द प्लेयर इन्वॉल्व्ड इन सर्विस फर्म एम्प्लॉयज कस्टमर. सर्विस इनकाउंटर में हमारे तीन लोग होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयज उस कंपनी के और कस्टमर. क्योंकि एक तरह की इंट्रैक्शन होती है पूरे जो सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हमारी इसलिए तीन चीज़ें आती हैं, फर्म, एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर. अब टाइप्स क्या होते हैं सर्विस इनकाउंटर के? सबसे पहला होता है हमारा रिमोट इनकाउंटर. रिमोट इनकाउंटर क्या कहता है? इंट्रैक्शन डन विदाउट ह्यूमन बींग. मतलब कि हम फॉर एग्जाम्पल ATM, मतलब कि जहाँ पे जो हमारी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग नहीं है. जैसे कि ATM से हम सर्विस लेते हैं तो ये भी हमारा, ये होता है हमारा रिमोट इनकाउंटर. सर्विस हम दे रहे हैं लेकिन कोई ह्यूमन बींग नहीं है. दूसरा होता है हमारा फ़ोन इनकाउंटर. फ़ोन इनकाउंटर क्या होता है? जैसे हमारे कॉल सेंटर हो गए, सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मीडियम है फ़ोन. नेक्स्ट होती है हमारी फेस टू फेस इनकाउंटर. फेस टू फेस इनकाउंटर होती है जहाँ पे हम डायरेक्ट किसी को सर्विस दे रहे हैं, जो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जैसे होटल सर्विसेज, सलून सर्विसेज, कॉलेज और हॉस्पिटल सर्विसेज. नेक्स्ट होता है हमारा सर्विस फेलर. सर्विस फेलर क्या होता है? सर्विस परफॉर्मेंस दैट फेल्स टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन. जहाँ पे हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट करने में फेल हो जाते हैं वो होता है हमारा सर्विस फेलर. नेक्स्ट होता है हमारा टॉपिक सर्विस रिकवरी. सर्विस रिकवरी क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्शन टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू सर्विस फेलर. जो सर्विस फेल हमारी हुई है उसको हम एक्शन में लेके आते हैं कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, उस वो होती है हमारी सर्विस रिकवरी. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ कस्टमर रिस्पॉन्ड टू सर्विस फेलर. अब जब सर्विस फेल हो जाती है तो कस्टमर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है कंपनी को? तो या तो वो एक्शन लेता है या फिर वो एक्शन नहीं लेता. अब जब वो एक्शन नहीं लेता तो वो दो चीज़ें करता है, या तो वो अपना सर्विस स्विच कर लेता है या फिर स्टे विद प्रोवाइडर, या फिर अगर उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फेल हो गए फिर भी वो उसी प्रोवाइडर के पास रहता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता. लेकिन अगर वो एक्शन ले रहा है तो वो तीन चीज़ें करता है, या तो कंप्लेन टू प्रोवाइडर, या जिसने
उसको सर्विस प्रोवाइड किया उससे कंप्लेन करता है, या अपनी फैमिली मेंबर से कंप्लेन करता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी से कंप्लेन करता है, जिसको हम एक तरह से वर्ड ऑफ माउथ भी बोल सकते हैं कि हाँ उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बुराई कर रहा था। अब जब हमारी कंप्लेन टू प्रोवाइडर और कंप्लेन टू थर्ड पार्टी होती है तो उस केस में, और कंप्लेन टू फैमिली होती है उस केस में, फिर वही दो चीज़ें आती हैं कि या तो वो अपनी जो सर्विसेज है वो स्विच कर लेगा उन काम को करने के बाद, या फिर वो उस जो अपना जो सर्विस है उस पर बना रहेगा, लेकिन एक्शन लेने में वो तीन चीज़ें वो पहले करेगा, या तो वो किसी को बताएगा, और अगर उसको एक्शन नहीं लेना तो वो डायरेक्टली बिना चुपचाप ही अपना जो सर्विस है वो स्विच कर लेगा, या फिर उसी सर्विस पे बना रहेगा। अब हमारी आती है सर्विस रिकवरी स्ट्रैटेजी। सर्विस रिकवरी स्ट्रैटेजीज क्या होती है? फर्स्ट, सेफ योर सर्विस। पहले, सबसे पहले हम अपनी सर्विसेज को तुम सेव करके चलो, मतलब कि जो सर्विस तुम बना रहे हो उसको इस तरह से बनाओ कि हाँ वो सही हो। वेलकम एंड इनकरेज कंप्लेन। जो कंप्लेंस तुम्हारे पास आ रही हैं सर्विस को लेके, उनको वेलकम करो, उनको इंकरेज करो। ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास कंप्लेंस आ रही है तो तुम उनको फालतू में जाने दो और उनके बारे में बिचिंग करना शुरू कर दो, नहीं। अपनी कंप्लेंस को स्ट्रिक्टली लो, एक्ट क्विकली। अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेन आ रही है तो उसको क्विकली रिस्पॉन्स करो। ट्रीट कस्टमर फेयरली, हर कस्टमर को फेयरली ट्रीट करो। लर्न फ्रॉम रिकवरी एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस जो रिकवरी एक्सपीरियंस है उनसे लर्न करो, ताकि फ्यूचर में तुम वो मिस्टेक ना कर सको। लर्न फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर, जो कस्टमर तुमसे छूट गए हैं, जो कस्टमर अब तुम्हारे पास नहीं आते, उनसे सीखो कि वो किस वजह से तुमसे छूट गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्विस गारंटी। सर्विस गारंटी क्या कहते हैं? अ सर्विस गारंटी इज अ स्टेटमेंट दैट क्लैरिफाई व्हाट द कस्टमर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सर्विस एंड व्हाट द कंपनी विल डू टू रेक्टिफाई द सिचुएशन इफ द सर्विस डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन। सर्विस गारंटी, हम सभी को पता है कि अगर सर्विस अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर पाएगी तो कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि जो अगर मीट नहीं कर पाती तो कस्टमर को इतना ज़्यादा लॉस ना हो और वो उसको रिकवर कर पाए। अब कुछ फीचर्स होते हैं गुड गारंटी के। सबसे पहले होता है इजी टू कलेक्ट। अगर तुम्हारे पास सर्विसेज की गारंटी है, तुम इजीली अपनी जो सर्विस है वो कलेक्ट कर सकते हो दोबारा। इजी टू अंडरस्टैंड, इजीली तुम्हें वो चीज़ अंडरस्टैंड होगी, मीनिंगफुल होगी और अनकंडीशनल होगी। मतलब कि ये कुछ मेन फीचर्स होते हैं गुड गारंटी के, कि ये सारी चीज़ें उसमें होंगी अगर तुम्हें प्रॉपर गारंटी मिल रही है सर्विस की तो। अब कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं गारंटी के। बेनिफिट्स क्या होते हैं? सेट्स क्लियर स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सर्विस गारंटी दे रही है, मतलब कि वो मार्केट में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रही है। फोर्सेस द कंपनी टू फोकस ऑन इट्स कस्टमर, ये कंपनी को फोर्स करती है ताकि वो अपने कस्टमर पे फोकस बनाए रखे, ताकि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। अ गुड सर्विस गारंटी स्टडीज द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज मोरल एंड लॉयल्टी। अगर तुम किसी को गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उस कस्टमर का भी जो मोरल और लॉयल्टी है वो तुम्हारे लिए इंक्रीज होगी। इमीडिएट एंड रेलिवेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, अगर तुम किसी को सर्विस दे रहे हो तो तुम्हें जो उनका फीडबैक मिलेगा वो रियल मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2 फ्रॉम सर्विस मार्केटिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।